हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को सोशल मीडिया और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पांस मिल रहा है और माना जा रहा है कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन काफी दमदार होने वाला है। सुपर सिनेमा ने अनुमान लगाया है कि फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 43 से 45 करोड़ रुपए के आसपास होगा। वहीं अगर बाकियों की माने तो फिल्म पहले दिन 34 करोड़ से 39 करोड़ रुपए के आसपास कमाएगी। बता दें कि फिल्म को न सिर्फ सोशल मीडिया पर काफी तारीफें मिल रही हैं, वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स दिए हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की संभावनाएं इसलिए भी हैं कि यह सलमान खान की फिल्म है और ईद पर सलमान खान की फिल्म पिट जाए ऐसा बहुत कम होता है। फिल्म को अब तक पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी मिल रही है और ऐसे में फिल्म के हिट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जो भारत पाक विभाजन में अलग हो जाता है। अब सलमान खान ने तो अपने फैंस को ईद पर तोहफा दे दिया है, लेकिन देखना यह है कि उनके फैंस भी फिल्म को हिट कराकर उन्हें ईदी देंगे। सलमान खान ने ईद के दिन अपने फैंस को हर साल की तरह इस बार भी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी पर आकर मुलाकात की थी। उनके हजारों फैंस उन्हें देखने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।